नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या, मेरी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं सैंडविच। आएंगे आलू सैंडविच, उसके लिए हमने लिए हैं 4-5 आलू और थोड़े से टमाटर लिए हैं, कटी प्याज लिए हैं और हमने आम और पुदीने की चटनी बनाई है और थोड़ा सा हरा धनिया और गेहूं के आटे के कुछ ब्रेड्स लिए हैं। या तो आप कद्दूकस कर सकते हैं इसको, या फिर हाथ से इस तरीके से इनको फोड़ लीजिए। मैं कच्चे मसाले से इसको बनाऊंगी, रोस्ट नहीं करूंगी इसको। प्याज डालेंगे, थोड़े से टमाटर। मैं वेजिटेबल सारी यूज नहीं कर रही क्योंकि मैं आलू सैंडविच बना रही हूँ। धनिया, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च मैंने मोटी मोटी इसलिए डाली है ताकि बच्चों के मुंह में ना आए, बच्चे निकाल दें। थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़रा सा डालेंगे हम हींग और हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी है। अब मैं थोड़ी सी यूज करूँगी लाल मिर्च और इसको मिक्स कर लेंगे। चाट मसाले की जगह आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मसाला तैयार है। एक पैन हम गैस पर रख लेते हैं। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, आप तवे पे भी बना सकते हैं। पैन गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी ब्रेड पे आलू को लगा लेते हैं। एक साइड हम लगाएंगे सॉस और दूसरी ब्रेड पर हम लगाएंगे जो आम की और पुदीने की चटनी हमने बनाई थी। आप खाली पुदीना और धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। बच्चे ऐसे तो पुदीना और उसकी चटनी खाते नहीं हैं, इस बहाने तो खा ही सकते हैं। और अब हम अपने आलू सैंडविच पे लगा देते हैं ब्रेड पे। और दूसरी ब्रेड से इसको ढक देते हैं। पैन में डालते हैं थोड़ा सा घी और ब्रेड को सेक देते हैं। थोड़ा सा हम अपनी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। आप इसे तवे पर भी सेक सकते हैं, इस तवे पर भी ऐसा ही सिकेगा। और इसको थोड़ा सा दबाना है, प्रेस करना है। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड थोड़ी हेल्दी होती है इसलिए मैंने ब्राउन लिया है। धीरे धीरे की आंच पर इसको सेक लेते हैं। ये देखिए सैंडविच तैयार है, हम इसे सर्व कर देते हैं। इस प्रकार से मैं अपनी ब्रेड सेक लेती हूँ सारी। और ज़रूरी नहीं है कि टोस्टर में ही ब्रेड बने, ब्रेड आप तवे पर और फ्राई पैन में भी बनाकर खा सकते हैं। मैं इसको बनाना बहुत ही आसान है, छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सैंडविच बनता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। सैंडविच बनकर के तैयार है, आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। फटाफट रेसिपी ये बनती है और बच्चों को खिलाएं, 2 मिनट में बन जाती है। और बताएं मेरी वीडियो कैसी बनी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।